ব্যাপারে ঘটনা হলো কি ওর আচ্ছা আপনি দেখে র‍্যাবিট র‍্যাবি ডক্সিস থালিয়ানা ICS1 हम लिख देंगे ठीक है आइसोक्रिस्पेट सिंथेसिस ये इसी पे काम कर रहा है ना आप इसको ना EDS16 भी कहते हैं ठीक है और इसको एडीसी सिंथेसिस भी कहते हैं ये तीनों चीजें इसको कहते हैं एडीसी सिंथेसिस आईसीएस ये तीनों चीजें इसको कहते हैं ये साइंस बायोसिंथेसिस बात है एडीसी सिंथेसिस तो एडीसी का मतलब क्या होगा रैपिड ऑक्सीजन सिंथेसिस एडीसी एडीसी से होता है क्या होता है सैली साइक्लिक एसिड इंडक्शन डेफिशिएंट अच्छा अब इसका मतलब यह है कि अगर ये जीन म्यूटेट होगा तो क्या होगा कि सैली साइक्लिक एसिड बनेगा नहीं बनेगा किसी भी जीन का नाम हम ऐसे भी देते हैं कि अगर कोई जीन की एब्सेंस में जो प्लांट के अंदर फिनोटाइप आती है वो जीन का नाम दे देते हैं फिर सेली साइक्लिक एसिड हम इसको इन्होंने इंडक्शन डेफिशिएंट सेली साइक्लिक एसिड बायोसिंथेसिस डेफिशिएंट प्लांट उसको हम क्या कहेंगे आईओ आईसीएस म्यूटेंट होगा मेरी बात भी समझ आएगी जो सेली साइक्लिक उसको हम क्या कहेंगे SID2 का मतलब क्या है एक ऐसा प्लांट जिसके अंदर सेलुलरली एसिड प्रेजेंट नहीं है बन नहीं रहा ठीक है इस जीन को हम SID2 भी कह सकते हैं ICS भी कह सकते हैं SID2 भी कह सकते हैं ठीक है अच्छा लेकिन लेकिन इसको ICS1 भी कहते हैं ये देखो ना इसको क्या करना है कि अब आपने इस प्रोटीन को ये जो प्रोटीन है ना इसको क्लिक करना है अब ये जो है ना इसमें से किसी भी एक प्रोटीन को आपने इसको ना फास्टा में ले लेना फास्टा का पता क्या फॉर्मेट है इसको फास्टा में हमने क्लिक करना हाँ किसी भी एक फिलहाल ठीक है बाकी ये जो इसकी जो सीक्वेंस है ना आप हमें इसमें से देखना है कि इसके अंदर कौन कौन सी डोमेन्स है इसको कॉपी किया अब ये कैसे पता चलेगा आपने पी फैम में जाना है कहा जाना PFAM एक वेबसाइट है जो कि प्रोटीन की वेबसाइट्स है यहां पर आपने जाना है जहां पर आपने सीक्वेंस सर्च में जाना है ठीक है सीक्वेंस सर्च में जाके आपने इधर अपनी वो सीक्वेंस पेस्ट कर दी और फिर इसको गो करना है जब आप इसको गो करेंगे ना तो ये हमें बताएगा कि इसके अंदर कौन कौन सी डोमेन है और इसलिए ये बताया कि इसके अंदर क्रिस्पेट बाइंडिंग डोमेन है क्या है क्रिस्पेट बाइंडिंग डोमेन है इसके अंदर ठीक है ये बड़ी इंपॉर्टेंट डोमेन है इसके अंदर एक ही मेन मेजर डोमेन है इसके अंदर और वो है क्रिस्पेट बाइंडिंग डोमेन ठीक हो गया अच्छा अब क्रिस्पेट बाइंडिंग है ना इसको अब हम शो करेंगे तो इसके नीचे इसकी सीक्वेंस होगी ये देखो इसी की जो है ना ये जो है ना ये देखो इसको शो ये अब हमने पूरी को सीक्वेंस को नहीं शो करा रहे हम सिर्फ क्रिस्पेट बाइंडिंग डोमेन वाली ये जो है ना ये सिर्फ एंजाइम की ये देखो इसी के ऊपर क्लिक हो रही है सिर्फ अच्छा इसकी जब हम नीचे जाएंगे तो ये इसकी सीक्वेंस आ जाएगी ये वाली ये सिर्फ क्रिस्पेट बाइंडिंग डोमेन की सीक्वेंस है ये कॉपी की हमने आपने नोटपैड प्लस प्लस इंस्टॉल कर लिया हाँ टीवी टूल कर लिया सर कुछ पता होगा तो करेंगे अभी हम बता रहे हैं अच्छा अच्छा चलिए ठीक है मैं अच्छा अब ये ना एक ना ये नोटपैड ये रुक
ये एक हम बतारे आपने ये इंस्टॉल कर देना। अच्छा इसमें ये देखो, अब ये हमारी जो सी प्लस प्लस सही है, ये देखे ये वाला है, इसपे हमने ये वाली जो है ना इसमें से जो डॉट्स लगे हुए हैं ये हमने रिमूव कर दे रहे, लेकिन लाइटें लगी है सीक्वेंस को नोटपैड प्लस प्लस में कॉपी करने के बाद जो भी डॉट्स आ रहे हैं सीक्वेंस में उनको रिमूव कर। एग्जैक्टली, ये हम कंट्रोल एफ करके भी कर सकते हैं इसको। ये देखिए फर्स्ट ये है ना, इसको कॉपी करें कंट्रोल एफ रिप्लेस विद नथिंग रिप्लेस ऑल, ठीक हो गया। एक सेकंड में सारे के सारे रिप्लेस हो जाएगा। अच्छा यहां पर आपने लिख देना क्रिस बेट अंडरस्कोर बाइटे अंडरस्कोर गुबेट अंडरस्कोर किस किस रैपिड ऑप्शंस के किस इसका वो जो है ना आईडी, तो ये वाला है ठीक है, इस आईडी से लिखे हमने, ठीक हो गया। ये हमने इधर लिख दिया, इसको सेव कर। अब ये सेव, अब हमने स्पीड फाइटिंग डिबेट वाले चीज जो है ना वो हमने आइडेंटिफाई कर दिए आपके कार्टेशियन के अंदर, वो कितने चीज है जो स्पीड फाइटिंग डिबेट को एनकोड करते हैं, स्पीड फाइटिंग डिबेट को एनकोड करते हैं। अब हम इसको हम आपका कोई फोल्डर मैंने बनाया अभी तक, आप एमएससी के स्टूडेंट है ना, एमएससी स्टूडेंट्स 2021, आपका नाम है सायरा सायरा एंड पिज़ा, इधर हमने ये दिया क्रिस्पेड बाइंडिंग टू बी ठीक है। अब हमने जाना है वेबसाइट के ऊपर, अब हमें क्या करना है कि जो ये प्रोटीन की सीक्वेंस है इसलिए अब हम ब्लास्ट करेंगे एक कार्डेशन के अंदर, ठीक है। कार्डेशन की वेबसाइट पे जाएंगे, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर इसका ब्लास्ट में जाएंगे, ठीक है। ये ब्लास्ट आ गया, अब हमने क्या चीज मरूव करनी है, प्रोटीन डेटाबेस पे जाना है, ठीक है। ये प्रोटीन है, ट्रांसलेटेड प्रोटीन डेटाबेस पे जाएंगे हम, तो ट्रांसलेटेड ठीक है। और यहाँ पर आपने इसको जो सीक्वेंस है फास्टा में उन्होंने कहा है, इसलिए मैं फास्टा को दोबारा कॉपी करता हूँ, इसको कंट्रोल ए इन्होंने कॉपी करते हैं और यहाँ हम अब इसको पेस्ट करती है, ठीक हो गया फास्टा की फॉर्मेट में। और नीचे इसको करते हैं कि अलाइन विद योर माइनस से दोबारा से प्रोटीन सीक्वेंस ब्लास्ट बी करनी है हमने, ठीक है, प्रोटीन को ब्लास्ट करना है और इसको सबमिट करवा रहे हैं। जब हम इसको सबमिट करवाएंगे अब ये हमें बताएगा कि आपके ये कह रहा है कि देयर आर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, टेन ऐसे जीन्स है जिनके अंदर इस ग्रेट इतना सा हो रहा तो एच डी ये वाला तो नहीं, ये यहाँ तक है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। अब आपने यही काम अपने कंप्यूटर पे करना है, ठीक है। जब ब्लास्ट करके फिर आपने क्या करना है कि इसको क्लिक करना टैली को,
और जब आप उसको क्लिक करेंगे तो फिर आपने इसकी जो है ना ये इसको जब आप क्लिक करेंगे तो ये इसकी सीक्वेंस आ जाएगी, ये ORF सीक्वेंस हो जाएगी, ये ट्रांसलेटेड ORF सीक्वेंस का मतलब है जो प्रोटीन की सीक्वेंस हो जाएगी, और ये इसकी ये इसको क्लिक करेंगे ना तो वी हैव अ सीक्वेंस ऑफ दैट स्पेसिफिक, ठीक है। जब इसको वापस लेके जाएंगे फिर हमारे पास ट्रांसलेटेड है सो इसकी प्रोटीन की सीक्वेंस, ठीक है, ये बात की समझ आई आपको। 19 आ रहे तो ये स्पेसिफिकली फन जी जैसे एक ही है ये, ठीक है। अच्छा, और ये जो नीचे है ये स्कैफोल्ड की सीक्वेंस है जो इसकी जीनोम की सीक्वेंस, ये पूरे जीनोम, अच्छा ठीक है, ये पूरे स्कैफोल्ड की सीक्वेंस है, लेकिन इसको इसमें से अब हमने जो हमारा जीन है ना उसका पूरा प्रमोटर ऑपरेटिंग फ्रेम और टर्मिनेटर वो अलग करता है इसमें से। You need to do something. Actually, this is a different website. इसलिए लेकिन बाकी जो वेबसाइट होते हैं तो वो खुद ही वो कर देता है, लेकिन इसे डिफरेंट वेबसाइट, इसलिए आपको सिर्फ दो जीत में से कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको। मेरी बात की समझ आ गई? ORF तो ये जो ORF है ना ये सिर्फ ORF है और नहीं है, ठीक है ना, लेकिन ये तो सिर्फ हमारे पास ऑपरेटिंग फ्रेम का सीक्वेंस आया है, लेकिन हमारे पास ना प्रमोटर का आया है टर्मिनेटर का होगा। अभी फिलहाल आप सिर्फ ना पेप्टाइड की सीक्वेंस को ले, सिर्फ ये जो सेकंड वाली है इसको करके क्या करें कि आप इसको कॉपी करें, इसको कॉपी करके नोटपैड प्लस आप इसे डाउनलोड कर ले, इसको कॉपी करें, ठीक है, और इसको आपने नोटपैड प्लस के अंदर जाके एक नई कंट्रोल ऐड करके एक नई फाइल बना लेनी है और इसको इधर पेस्ट कर देना, और फिर आपने के अपने फोल्डर के अंदर जाके आपने इसको फाइल को सेव एज करके यहाँ पर लिख देना आपने क्रिस्पेड बाइंडिंग डोमेन एनकोडिंग प्रोटीन फ्रॉम कार्पेश, ठीक हो गया। ये जो आप कह रहे हो कि ये अब जितनी भी बात ऊपर तो निकाल दिया हमने इसको जो सेव कर दिया कंट्रोल एस। अच्छा, अब ये है क्रिस्पेड बाइंडिंग डोमेन एनकोडिंग पेप्टाइड या प्रोटीन सीक्वेंस फ्रॉम कार्पेशन, ठीक हो गया। ऐसे ही आपने कोई भी करने ऊपर वाला कर ये करके सेव। अब आपने जो नेक्स्ट है ना नेक्स्ट वाला इसके नीचे करना है, इसी के नीचे आपने नौ की एक फाइल बना ली, फिलहाल ये बनाए, बाद में फिर नेक्स्ट करता हूँ आपने क्या करना है इसका। ये मैं आपको अभी जो हमने रेफरेंस ये दोनों फाइल्स जो मैंने बनाई है ये मैं आपको भेज देता हूँ ताकि आपको जब आप वाले शुरू से करें तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है, लेकिन ये मैं फाइल एज ए रेफरेंस आपको भेज देता हूँ, ठीक हो गया। ये हमारी हो गई।